पनाह हो गई रोली। अपनी बहन सिमर को बचाने के लिए रोली ने दे दी अपनी जान। जान देने के लिए सिमर को बस एक धक्का मारा और खुद शैतान के फेंके हथियार के सामने आ गई रोली। बहन की जान जाते देख सिमर ने भी उठा लिया त्रिशूल और दौड़ पड़ी पाताली और शैतान की ओर। मार डाला पाताली और शैतान को। लंबे ड्रामे के बाद आखिरकार सिमर जीत गई और पाताली हार गई। रोली ने सिमर को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन सिमर के लिए पाताली को खत्म करना शायद ज्यादा जरूरी था। तभी तो रोली को डॉक्टर के पास ले जाने का ख्याल भी पाताली को खत्म करने के बाद आया। वैसे मानना पड़ेगा भारद्वाज परिवार को भी, सिमर के बिना वो कुछ नहीं कर सकते। रोली को डॉक्टर के पास भी नहीं ले जा सकते। डॉक्टर का नाम लेते लेते सिमर भी बेहोश हो गई। अब बेचारी क्या क्या अकेली करेगी। देखिए ना, पाताली को मारने के पहले भी सिमर को कितनी उठापटक करनी पड़ी। कभी खुद गिरी तो कभी पाताली और शैतान को पटकनी दी। वैसे खात्मे के बाद ही सही सिमर ने मान लिया कि पाताली और सिमर का रिश्ता कितना खास है। बराबर की टक्कर के मिली है कि आखिरी दम तक मतलब पूरी जान लगाती ही रहती हैं। मैंने और मेघना ने सबसे ज्यादा क्रिएटिव फाइट्स की है। वाइल वी वर शूटिंग द पातालो के क्रोमा हमने सबसे ज्यादा मजेदार चीजें की हैं, स्टंट्स की हैं। जाते जाते माना तो रोली ने भी कि सीरियल में चाहे जो ड्रामा दिखाया गया हो, लेकिन उनका सीरियल ट्रेंड सेटर रहा है। हम पिछले दो तीन दिन से जो भी सीन्स कर रहे हैं वो बहुत अनबिलीवेबल हैं, कि जब हम लोग ये करते हैं हम खुद कन्विंस नहीं हो पाते कि यार ये क्या हो रहा है, क्या लॉजिक, लाइक वी डोंट अंडरस्टैंड ये हो क्या रहा है। बट जिस टाइम हम लोग सबसे ज्यादा ऐसे डाउटफुल रहते हैं, शायद उसी टाइम टीआरपी सबसे ज्यादा आती है, बिकॉज पीपल लव वॉचिंग इट एंड इट्स डेफिनेटली अ ट्रेंड सेटर, बिकॉज काफी शोज दे रियली से कि ससुराल सिमर का की वजह से हमें भी ये करना पड़ रहा है। इतने लंबे ड्रामे के बाद पाताली का खात्मा तो हो गया, लेकिन अब टीआरपी का क्या होगा, क्योंकि टीआरपी तो पाताली ही लाती थी। अब लगता है ये जिम्मेदारी भी सिमर को ही उठानी पड़ेगी। पाताली के जाने के बाद सिमर की जिंदगी में अब क्या ट्विस्ट आएगा, ये देखने का हमें इंतजार रहेगा। स्नेहा शर्मा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।